लेट्स टेक इट अंडरस्टैंड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट थोड़ा मंगल की एनर्जी को समझने के लिए। तो लेफ्ट हैंड पे है रावण की कुंडली जो हमने मैंने इंटरनेट से निकाली है, तो इसमें नहीं जाएंगे हम कि सही कुंडली है या नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है। ऐसी भगवान राम की कुंडली इंटरनेट से निकाली है। अब देखो भगवान राम की कुंडली में आप देखो जो मार्स है वो सेवेंथ हाउस में है, रावण की कुंडली में सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस क्या है? कंपटीशन का, ठीक है, शत्रुओं का है। सेवेंथ हाउस किसका है? पार्टनरशिप का है, मैरिज का है। अब इन दोनों को हमें अगर समझना है, एक तो भगवान राम की कुंडली में मंगल है और एक रावण की कुंडली में। अब देखो ये जो मंगल है ये 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 एक्चुअली ये आप इसे कह सकते हैं क्रूर या पापी मंगल कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसने मंगल दोष का जन्म दिया सेवेंथ हाउस में, इसलिए भगवान राम का सेपरेशन हुआ सीता माँ से। कभी वैवाहिक सुख की उनको मतलब कभी वैवाहिक सुख नहीं मिला, ठीक। यहां आप देखोगे जो सिक्स हाउस ननिहाल और मामा का होता है, तो रावण की कुंडली में छठे घर में मंगल, इन्होंने जब रावण ने सीता मैया का हरण करना था सीता माँ का, तो ये अपने ही मामा को मारीच को भेजते हैं, वो भेष बदल कर जाता है वहां पर हिरण का रूप लेके, ठीक है, जिसको पकड़ने के लिए सीता माँ बोलती है भगवान राम को कि आप इसे पकड़ के लाओ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है कि रावण कीप्स एन आई ऑन पराई स्त्री, व्हाट इज द मतलब इसकी माइथोलॉजी क्या है ना, कैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मंगल अगर पापी है और वो अगर अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन में वो प्लैनेट है, अच्छी जगह नहीं प्लेस्ड है, तो बेसिकली ये मंगल जो है ये दिखाता है कि ये मंगल प्रॉपर मंगल ग्रह वाला मंगल है, ये हनुमान जी वाला नहीं है, ये कार्तिकेय वाला नहीं है, ठीक है। तो इसकी माइथोलॉजी मैं आपको बताऊंगा मंगल की, कि मंगल में ऐसे गुण क्यों है, ये मैं आपको माइथोलॉजी बताऊंगा, ठीक है। अब अगर हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम की केस में ठीक है, हनुमान जी ने इनकी मदद करी, उनका जन्म ही इसलिए हुआ था, हनुमान जी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि भगवान राम की वो मदद करें, क्योंकि उसके पीछे आपको पता भी है बहुत सारी कहानियां हैं कि नारद जी ने भी खुद विष्णु जी को श्राप दिया था कि आपको जो है पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और आपको जो है वानरों की कभी ना कभी जिंदगी में मदद लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। और ये मतलब ये तो उन्होंने श्राप दिया था जो कि ऑफकोर्स कन्वर्ट हो गया एक ब्लेसिंग में। सेम नंदी ने श्राप दिया था रावण को कि भाई तुमने जो है मेरी इज्जत नहीं करी, मैं एक बैल हूं और तुम जो है, क्योंकि जब ये एक बार कैलाश पे जाते हैं तो ये मतलब जो है इनकी खूब डिसरिस्पेक्ट करते हैं नंदी की कि भाई मुझे भगवान शिव को लंका लेके जाना है, तो ये मना करते हैं। तो फिर उस लड़ाई वश में जब इनका अपमान होता है तो नंदी इनको श्राप देते हैं रावण को कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी उसमें किसी मतलब जो है जानवर का हाथ जरूर होगा, वो कोई जानवर ही होगा, वो तो उसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी, ठीक है। तो एक जगह वो श्राप वरदान में बदल जाता है, दूसरी जगह वो जो श्राप है वो श्राप में ही रहा वो रावण के केस में। तो देखो अगर मंगल खराब होगा ना, मंगल अगर मंगल खराब होगा तो वो जो कहते हैं ना कि एक व्यवहारिक गुण और आपकी पर्सनालिटी को में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है कि मतलब एक आपके कैरेक्टर पे भी वो सवाल उठा सकता है। तो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो मंगल चाहता था कि उसकी जो शादी है वो जबरदस्ती
शनि भगवान जो है उनकी सिस्टर, उनकी बहन यमी से, और शनिदेव नहीं चाहते थे कि मंगल की शादी जो है यमी से हो, क्योंकि मंगल जो है एक अच्छा प्लैनेट नहीं है, तो ये भगवान शनि को पता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रावण की कुंडली में, ये मंगल वही मंगल है, पराई स्त्री पे आप जो है नजर रखते हो, ठीक है। मंगल क्यों, देखिए रावण ने एक बार तो ऐसा किया था, मगर रावण ने अपने जीवन में ऐसे दो बार किया था, दो बार ऐसा किया था। एक बार उन्हें कौशल्या जी का भी हरण किया था, भगवान राम की माता का भी हरण किया था, और एक बार रंभा ने भी श्राप दिया था रावण को। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि अगर मंगल को समझना है तो आप उसको जस्ट ऐसे मत समझिए, उसको पहले उसको उसकी एनर्जी समझने की कोशिश करो, वो क्या है उस चार्ट में, तब आपको ज्यादा रीड करने में मजा आएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखे कि शायद इससे हम कुछ और डिटेल में आगे में मदद मिले जब हम और डीप डाउन स्टडी करेंगे ना मंगल के बारे में, तो हमको कुछ और पता चलेगा।